सबसे पहले तो मैं हमारे नेता आदरणीय मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी, हमारे कार्याध्यक्ष नड्डा जी, इन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने फिर एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे सेवा करने का मौका दिया। मूल रूप से महाराष्ट्र की जनता ने एक बहुत स्पष्ट जनादेश दिया था, किंतु उस जनादेश को नकारते हुए हमारे साथ लड़ी शिवसेना पार्टी ने, हमारे साथ गठबंधन करने की जगह दूसरी ओर गठबंधन करने का प्रयास शुरू किया और जिसके चलते महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और महाराष्ट्र में कितना समय राष्ट्रपति शासन लागू हो, महाराष्ट्र जैसे एक अग्रणी राज्य को ये शोभा भी नहीं देता, और इसके चलते महाराष्ट्र को एक स्थिर शासन देने की आवश्यकता थी। कोई खिचड़ी शासन नहीं जहाँ पर तीन ऐसी पार्टियाँ साथ में आ जाए और कोई सरकार बना दे जो चल भी ना पाए। और ऐसे समय मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता श्री अजीत दादा पवार जी का अभिनंदन भी करना चाहूँगा, उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि महाराष्ट्र को एक स्थायी सरकार मिले। इस हेतु से वे भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे, हमारे साथ में कुछ अन्य लोग भी आए हैं, और इसके चलते हमने हमारा दावा आदरणीय राज्यपाल जी को पेश किया। उस दावे की पुष्टि करते हुए आदरणीय राज्यपाल जी ने माननीय राष्ट्रपति जी से अनुशंसा की कि राष्ट्रपति शासन वापस लिया जाए, और राष्ट्रपति शासन वापस लेने के बाद आज यहाँ पर हमको माननीय राज्यपाल जी ने शपथ का निमंत्रण दिया। मैंने और श्री अजीत दादा पवार, इन्होंने शपथ ली है, मैंने मुख्यमंत्री पद के लिए है, उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद के लिए है, और मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में एक स्थिर स्थायी इस प्रकार की सरकार हम लोग दे पाएंगे। देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस मुख्यमंत्री। मी देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे कळविणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। कहेंगे एक नया गठबंधन, एक नया समीकरण? बहुत दिन आपने देखा, चुनाव 24 तारीख को रिजल्ट आया, तब से अभी तक कौन सा भी
कोई भी गवर्नमेंट बना नहीं सका। और महाराष्ट्र में इतने अलग अलग प्रॉब्लम है, ज़्यादा करके फार्मर्स के जो प्रॉब्लम है, बाकी लोगों के जो प्रॉब्लम है, वो हल करने के लिए लोगों ने चुना हुआ अगर गवर्नमेंट आता है तो उसमें से अच्छे से रास्ता निकालना को मदद हो सकती है, डिसीजन जल्द से जल्द हम ले सकते हैं। इसीलिए हमने ये सब निर्णय लिया और आज गवर्नमेंट हमने स्थापित किया। देखिए अजीत पवार की क्या प्रतिक्रिया है मुझे मालूम नहीं, उनकी प्रतिक्रिया जो रिएक्शन है उसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं। कल 9 बजे तक ये महाशय हमारे साथ बैठे थे, पूरी बातचीत में सक्रिय थे, उन कोई सूचना भी कर रहे थे, अचानक से वो गायब हो गए। हमें थोड़ा संशय आया था उस बारे में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, क्योंकि वो नज़रों से नज़र मिलाकर नहीं बोल रहे थे। जो व्यक्ति पाप करने जाता है उसकी नज़र जिस प्रकार से झुकती है, वो झुकी हुई नज़रे से बात कर, ठीक है बातचीत एक दिन के लिए आगे बढ़ गई, उसका मतलब ये नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पक्ष ने राजभवन का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया है, फिर एक बार ये इस देश के लोकतंत्र को शोभा नहीं देता। सत्ता, पैसा और मस्ती, ये सब फिर एक बार उसका गैर कानूनी ढंग से इस देश में वापर किया है। मैं मानता था कि इस राज्य के राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति है जो आरएसएस से आए हैं, जो संस्कारी है और कानून का पालन करें। लेकिन अंधेरे में पाप होता है, अंधेरे में डकैती और चोरी होती है, अंधेरे में व्यभिचार होता है। महाराष्ट्र की सरकार को जिस तरह से जल्दबाजी में अंधेरे में शपथ दिलाई गई, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र को शोभा नहीं देता। अजीत पवार, मैं देवेंद्र फडणवीस का नाम नहीं लूँगा, वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं बीजेपी, लेकिन अजीत पवार और उनके साथ जो विधायक है, ये सभी लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम बदनाम किया है। इस पूरे मामले में हम पवार साहब से संपर्क में हैं, उद्धव ठाकरे साहब और शरद पवार के सुबह 2 बार बातचीत हुई है, 2 नेता आज मिलेंगे ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी बात चल रही है। लेकिन अजीत पवार ने जो पाप किया है, जो खंजीर खुपसा है महाराष्ट्र के पीठ में, उससे शरद पवार जी का कोई संबंध नहीं।